ओके, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे। आई थिंक यहाँ तक हो गया था। लीडिंग वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड वर फर्स्ट डिलिमिनेटेड बाई। सबसे पहले एग्रीकल्चर रीजन्स में अर्थ को किसने बांटा था? तो बॉबेक स्टैम्प, नाम तो सुने भी नहीं है, स्पेंसर विटलेसी, आई थिंक विटलेसी ही है, और ये बहुत फेमस है, मतलब जियोग्राफी में वर्ड, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम विटलेसी। और टर्म जो फेमस है वो है एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वर फर्स्ट डिलिनेटेड बाय विटलेसी। वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स इन द वर्ल्ड वॉज प्रपोज बाई डी विटलेसी इन 1936। विटलेसी ने पांच क्राइटेरिया लगाए थे: क्रॉप और लाइव स्टॉक का कॉम्बिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग फॉर्म प्रोड्यूस की, कितना मैकेनाइजेशन है, और बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे कैनाल्स और ब्रिजेस वगैरह, वो कितने परसेंट है। तो विटलेसी एग्रीकल्चरल रीजन, विटलेसी कल्चरल रीजन्स, ये आई थिंक वी शुड नो। विटलेसी से एग्रीकल्चरल रीजन्स और क्लियर। अभी पुराना 1936 का है क्लासिफिकेशन। आई डोंट नो 2020 में कितना रिलेवेंट होगा। ये कुछ है वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन 13: डेरिंग फ्रूट क्रॉप्स, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जी है क्या? लाइव स्टॉक रेंचिंग, 12 एग्रीकल्चर रीजन्स। अभी कितने लिखे थे मैंने? विटलेसी के एग्रीकल्चरल रीजन्स, जी 13 है विटलेसी के एग्रीकल्चर रीजन्स। देखना पड़ेगा यार, गूगल करना पड़ेगा। विट लेसी, एग्रीकल्चर, टोटल कितने है फिर? दस, डॉर्विन विटलेसी, के बारे में विकिपीडिया में कुछ नहीं मिल रहा। चलिए लो, 12-13 रीजन्स हैं डार्विन विटलेसी के। अच्छा, बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में मिल नहीं रहा है। कहीं लिखे हैं 11 है, कहीं लिखे हैं 12 है, कहीं लिखे हैं 13 है। इलेवन से लेके 13 तक सारे मिल रहे हैं, तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितने हैं। अगर ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं बता नहीं पाऊंगा। इसमें देखिए 11 ही है।
नंबर ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स में जाना चाहता हूँ, विटलेसी ने दुनिया को कितने एग्रीकल्चर रीजन से बांटा है? 13, 12, 11। लो, ज्योग्राफी, ज्योग्राफर डार्विन विटलेसी डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी एग्रीकल्चर रीजन्स? 11 भी है 12 भी है आंसर ऑप्शन में? 11 है। 11 11 कोई मैं पक्का मानता हूँ। शुरुआत में आता हूँ, देखता हूँ 11 कहाँ पे है। यहाँ तो 13 तक पहुंच गया मामला, ये सही लग रहा है। लेकिन इसमें साउथ अमेरिका नहीं है। एनीवे आगे पढ़ते हैं। कनॉट सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज डेवलप्ड इन, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। कनॉट इरिगेशन, कनाथ, क्यों से? इजिप्ट, कजाकिस्तान, ईरान, न्यूजीलैंड। लक तो कनाथ उर्दू बोल रहा है तो न्यूजीलैंड तो नहीं होगा। कनाथ इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम ए डीप वेल विद ए सीरीज ऑफ वर्टिकल एक्सिस शाफ्ट। कनाथ स्टिल क्रिएटेड रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इरीगेशन इन हॉट एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। तो है कहाँ पे? आंसर क्या है? बी, ईरान। कनाथ कारिज इज ए जेंटली स्लोपिंग अंडरग्राउंड चैनल टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम एन एक्वीफर और वाटर वेल टू द सर्फेस फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग, एक्टिंग एज एन अंडरग्राउंड एक्वीडक्ट। एंशेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई है एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में। कनाट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन ईरान बाई पर्सन पीपल, और फिर इसको यूज करने लगे और कंट्रीज में भी, चाइना में और साउथ अमेरिका में, सदर्न पेरू में। कनाथ कारिज, अभी भी कनाथ हैं, वाटर डक्ट्स हैं ईरान में। पर्शियन इंजीनियर्स हैड मास्टर द टेक्निक ऑफ स्टोरिंग आइस इन द मिडिल ऑफ समर, यजकल। बट इन मोर यूनियस दे बिल्ड ए वॉल इन यजकल, आइस पिट बनाते थे। बाप रे। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, चाइना, इंडिया। इन इंडिया दे आर कारेज सिस्टम्स, दे आर लोकेटेड एट बिदर, बीजापुर, बुरहानपुर, औरंगाबाद। कारेज इन औरंगाबाद तक कारेज सिस्टम्स आर कॉल्ड नहर। अच्छा, नहर को ही बोलने क्या? कहना बुरहानपुर कारेज का बूंदी बांद्रा। एंशिएंट पंशियन वाटर क्लॉक, अब ये देखना पड़ेगा मुझको इमेजेस में। कनाथ, एक नहर ही है ये, एक्विडक्ट। पानी ले जाने के लिए एंशियंट वाटर टनल्स स्टिल इन यूज, ये है कनाथ। पर्शियन कनाल द अंडरग्राउंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मुझे वेस्ट एशिया में स्टोर कर लेना चाहिए, अच्छी चीज पता चली है। क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन जियोग्राफी, फिजियोलॉजी,
इकोनॉमिक जियोग्राफी, ईरान जो है सैफरन का प्रोड्यूसर है, ईरान की एक और अच्छी चीज़ पता चली, कनाट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट अरेबल लैंड? अरेबल लैंड का मतलब होता है खेती करने लायक जमीन, तो अरेबल लैंड। अमंग द फॉलोइंग, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है अच्छा खासा बीच का, चाइना में डेजर्ट है टकला मकानों को भी, ब्राजील में माउंट माउंटेन है, ग्रासलैंड है अरेबल लैंड। इंडिया इज द लार्जेस्ट अरेबल लैंड। यूनाइटेड स्टेट्स इन द वर्ल्ड हैज लार्जेस्ट अरेबल लैंड फॉलोड बाय इंडिया। अभी अरेबल लैंड देखते हैं भाई, अरेबल लैंड बाय कंट्रीज, अरेबल लैंड बाय कंट्रीज। इंडिया नंबर वन आ गया, यूएसए नंबर टू परसेंटेज के वाइज से, हमें इससे देखते हैं। इंडिया इगोज चाइना रसिया। एरिया वाइज देखें तो यूएसए इंडिया रसिया चाइना है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इंडिया नंबर वन आ जाएगा। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका सुपर पावर बन जाए, बन गया है, बन चुका है, बनने की एक वजह ये भी हो सकती है इंडिया के, अमेरिका के पास अरेबल लैंड है। यूएसए इंडिया रसिया चाइना, लार्जेस्ट एरेबल लैंड। तो आई थिंक हो गया ये पॉइंट, सही बात है, लार्जेस्ट एरेबल लैंड यूएसए इसमें नहीं, नहीं तो यूएसए होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिकल मेनली इन द, प्लांटेशन आप कहाँ करोगे? एरिड रीजन में कहाँ प्लांटेशन होता है? डेजर्ट्स में तो मुझे नहीं लग रहा प्लांटेशन होता है। मेडिटेरेनियन में प्लांटेशन होता होगा, तो होता होगा, फ्रूट्स का होता होगा। ये रीजन में इतना तो है कि ग्रेप्स का होता है, ऑरेंजेस का होता है, व्हीट के लिए कोई प्लांटेशन की जरूरत होती नहीं। टेम्परेट और ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन जो है 45 डिग्री इक्वेटर से, उनमें कोई प्लांटेशन तो ऐसा कोई फेमस है नहीं। ट्रॉपिकल रीजन में देखिए अगर हम आए, और ट्रॉपिकल रीजन में जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, तो वहाँ पे रबर की प्लांटेशन होती है, कोको की प्लांटेशन होती है, कॉफी की प्लांटेशन होती है, पाम ऑयल का प्लांटेशन होता है। अफ्रीका में आए तो वहाँ पे लकड़ियों की भी होती है, टीक टेक्टोना ग्रैंडिस कॉमर्शियल, वहाँ पे लॉगिंग होती है। तो अमेरिका, अगर हम इधर आए साउथ अमेरिका के इक्वेटोरियल रीजन में आए, तो यहाँ पे सुगर केन है और कॉफी, ब्राजील कॉफी का बड़ा सप्लायर है। तो प्लांटेशन तो आई थिंक ट्रॉपिकल रीजन का ही होता है। डी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मेथड, एम्फेसिस इज गिवन टू रेज ए सिंगल क्रॉप, वो इट इज प्रैक्टिकली मेनली इन ट्रॉपिकल रीजन। ये बात तो सही है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन ट्रॉपिकल रीजन। ये कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ डालूँ मैं बताओ, अमेरिका में तो जा नहीं पाएगा इसके लिए, तो मुझे या तो साउथ अमेरिका खोलना पड़ेगा, या तो मुझे अफ्रीका खोलना पड़ेगा, या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में डाल देते हैं। एग्रीकल्चर का टाइप ये जाएगा इकोनॉमिक जियोग्राफी में, इकोनॉमिक जियोग्राफी का एक पॉइंट है। अच्छा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन, ये एग्रीकल्चर का जो टाइप है यहाँ पे वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है।
अगला आते हैं, विच रीजन इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? भाई स्टेपी, पेरी, पंपाज, वेल्स, ये सब ग्रासलैंड्स होते हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जो यूरेशियन ग्रासलैंड है वो स्टेपीज है, यूक्रेन और रशिया वाला, यूरोप वाला, ईस्टर्न यूरोप वाला। जो चाइना का थोड़ा सा ऊपर है वो भी टेम्परेट ग्रासलैंड है, स्टेपी। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का हो गया, वहां कोई ब्रेड बास्केट सवाना में मुझे नहीं लग रहा। ब्रेड मतलब वीट, वीट की होता होगा कुछ ना, वीट और राइस नहीं, सवाना में तो नहीं होता। जो प्रेरी है नॉर्थ अमेरिका, वहां पे अच्छा खासा वीट का प्रोडक्शन है। पंपास जो हो गए अर्जेंटीना ब्राजील के, वहां पे आई थिंक सुगर केन वगैरह होता है, भुट्टा कॉर्न भी होता है, कॉर्न का होता है साउथ अमेरिका में, बट वीट का तो नहीं होता। साउथ अफ्रीका के वेल्स का मुझे पता नहीं, वो तो बहुत छोटा सा रीजन है। तो ये आई थिंक स्टेपीज का हुआ या पेरी का हुआ, सवाना का नहीं है। ब्रेड बास्केट मेडिटेरियन, तो कोई वीट का सप्लायर तो नहीं है, कोई एक्सपोर्टर नहीं है। मिड लेटिट्यूड फॉरेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। एक ही चीज बची, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात चल रही है दो की, टेम्परेट ग्रासलैंड में अमेरिका के प्रेरीज की और यूरेशिया के स्टेपीज की। पेरी और स्टेपीज, तो पेरी और स्टेपी जो है वो ब्रेड बास्केट है वर्ल्ड के। इनमें जो ग्रासेस की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में अच्छी खासी पेनेट्रेट कर जाती हैं, तो अच्छी डीप और फर्टाइल सॉइल पैदा होती है ग्रास की वजह से, ऑर्गेनिक मैटर रहता है। जो नॉर्थ अमेरिका में पेरीज थे, दे वर वंस इनहेबिटेड बाई हर्स ऑफ बाइसन्स और प्रॉन्ग हॉर्न्स विच वर हंटेड बाई द वुल्स, बियर्स एंड अदर प्रेडेटर्स। These herds are almost gone now, and now most of the prairies have been converted into richest agriculture regions on the world. तो बाइसेंस हुआ करते थे, बट खा गए लोग उनको। अब वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की पेरीज, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। पेरी का मैप देखना चाहता हूँ मैं, प्रेरी मैप। कोई बढ़िया मैप मिले पेरी का? अच्छा, एक मुझे याद आ रहा है नाम, ग्रांड चाको। ये ग्रांड चाको क्या है? क्या ये पेरी है, पंपाज है, क्या है? कनाडा के तीन पेरी प्रोविंस हैं, अल्बर्टा, मोनिटोबा, सस्केचवन। ग्रांड पेरी टेक्सास। पेरी अमेरिका का बीच का रीजन है, हमें लग रहा है। मैप ऑफ द पेरी पॉट होल रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, कनाडा यूएस में है। यहीं पे काम करने के लिए सरदारों को ले गए थे, पेरी स्टेपी पम्पास वेल्ड। सरदार मेहनत से काम किए भाई। अमेरिकाना नॉर्थ अफ्रीका इकोनॉमिक जियोग्राफी में डालते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर रीजन है। और ये मैंने उठाया पेरी स्टेरी पम्पास वेल्ड। पेरी स्टेपी पंपास बेल्ट, पेरी नॉर्थ अमेरिका, कनाडा यूएसए और कनाडा, स्टेपी यूरेशियन रीजन, पंपास साउथ अमेरिका, वेल्ट साउथ अफ्रीका। जी कुछ और है, पेरीज, पंपास, सवाना, वेल्ट, सवाना, स्टेपी, पंपास। पंपास ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, वेल्ट सवाना, पेरी स्टेपी। अफ्रीकन सवाना का जो ग्रासलैंड है वही ग्रासलैंड स्ट्रेच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में।
ये भी अमेरिका में ही जाएगा, क्योंकि तो अमेरिका में सबसे बड़ा ग्रासलैंड है भाई, तो ये हक अमेरिका को ही मिलना चाहिए। चलो बाकी पेरिस के बारे में और कुछ नहीं मिल रहा। ग्रांड चाको आते हैं, ग्रांड चाको अ ड्राई चाको इज स्पार्सली पॉपुलेटेड हॉट एंड सेमी एरिड लोलैंड नेचुरल रीजन ऑफ रियो दिले प्लाता रीजन, बोलीविया, पाराग्वे, अर्जेंटीना एंड ए पोर्शन ऑफ ब्राजील स्टेट ऑफ मातो ग्रासो एंड मातो ग्रासे दो सुल। इट इज कनेक्टेड विद पेंटानल रीजन। द लैंड इज समटाइम्स कॉल्ड द चाको प्लेन, ग्रांड चाको ये भी प्लेन है यहाँ पे, लेकिन सवाना वेजिटेशन मिलता है, अफ्रीकन सवाना वेजिटेशन टाइप मिलता है, कैटल की रेंचिंग यहाँ पे भी होती है। फॉरेस्टेड है, जगुआर्स मिलते हैं यहाँ पे, पेंटानल एक नेचुरल रीजन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड, फ्लडेड ग्रासलैंड जी भाई साउथ अमेरिका में तो आना पड़ेगा, साउथ अमेरिका। आसियान बंद कर देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका बंद कर देता हूँ, साउथ अमेरिका खोलता हूँ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मैंने पेंटानल के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख जरूर रखा होगा। फिजिकल जियोग्राफी जोंडा क्लाइमेटोलॉजी इक्वाडोर गैलपागोस ओशनोलॉजी इकोनॉमिक जियोग्राफी चिली के बारे में माइन साइंस के बारे में देखा, बायो जियोग्राफी क्या चाहता हूँ मैं, पेंटनल वेटलैंड ये तो बायो जियोग्राफी में आएगा, बायो जियोग्राफी यही है इक्वेटोरियल लैंड फॉरेस्ट के नीचे पेंटनल। मैंने इससे पहले कुछ लिख रखा है क्या पेंटनल के बारे में, देखते हैं। एंडिस में अलोंग द एंडिस इक्वेटर, इक्वेटर से पास करता है इक्वाडोर, कोटापाक्सी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, पेरू, मच्चू पिच्छू, अल्टीप्लानो, लेक टिटिकाका, लापाज बोलिविया, युंगासोड, अमेजन रेन फॉरेस्ट, पेरू, अटाकामा डेजर्ट, चिलियरा पेटागोनिया भी लिखा है, चिली अर्जेंटीना में, ला लैंड साउथ ऑफ 40 डिग्री सदर्न में क्वार्टर ऑफ चिली मीनिंग लैंड ऑफ बिग फीट पेटागोनिया, तेरा डेल फ्यूगो, मगेलन स्टेट, गोयन हाईलैंड्स, लैंड ऑफ मेनी वाटर, पेरी स्टेपी एंडसुर मरकासुर यूनासुर वेनेजुएला कोलंबिया इक्वाडोर पेरू पैराग्वे उरुग्वे, इसमें कहीं भी मैंने पेंटानल का जिक्र नहीं किया है क्या, पेंटानल पेंटानल वेटलैंड्स, बस एक जगह छोटा सा लिखा है कि पराग्वाय जो है वहां पे पराग्वाय और ब्राजील के बॉर्डर पे पेंटानल वेटलैंड्स मिलते हैं, पेंटानल वेटलैंड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड्स हैं और ब्राजील और बोलीविया और पराग्वाय, मैंने तो ये लिखा है कि ये पैराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर पे मिलते हैं पेंटानल वेटलैंड्स, ये पेंटानल के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा जी रहा। पेंटानल ब्राजील पेंटानल मातो ग्रासो जो बना हुआ है ब्राजील का बॉर्डर है, इतना तो पक्का है, ब्राजील
और मैंने क्या लिखा था, कौन से, पैराग्वे लिखा था। पैराग्वे वो ब्राजील का बॉर्डर है, लेकिन ये पैराग्वे वो ब्राजील का बॉर्डर की वजह मुझे ब्राजील और बोलीविया का लग रहा है। इंटरनल ब्राजील बोलीविया पैराग्वे तीनों का बॉर्डर है, इंटरनल वेटलैंड्स, तो ये जाएगा बायोजियोग्राफी में, ऑफ साउथ अमेरिका इधर जाएगा। इतने अच्छे से मैंने साउथ अमेरिका पढ़ा था, लेकिन तब भी पेंटनल मिस कर गया। इंटरनल वेटलैंड्स वेटलैंड्स है, इंटरनल वेटलैंड्स ब्राजील बोलीविया पैराग्वे। अब कुछ जान लेते हैं पेंटनल्स के बारे में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है और फ्लडेड ग्रासलैंड है, ये बात जो है लिखनी पड़ेगी। ये रहा, इंटरनल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड। इंटरनल का मैप और देखते हैं। ब्राजील पैराग्वे ये है पेंटनल, ब्राजील पैराग्वे बोलीविया तीन है, मैंने वहां पे गलती से दो लिखा था। मैप में ज्यादा अच्छा पता चलता है, लिखने में आप कई चीजें मिस कर दो। पेंटानल के जस्ट ऊपर मातो ग्रासो है, पेंटानल ब्राजील, इस्कुआजू फॉल्स पेंटानल ब्राजील का एक बॉर्डर में। क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पेंटनल के बारे में नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। मातो ग्रासो स्टेट है ब्राजील का, वहां पे है। पैराग्वे ब्राजील और बोलीविया का बॉर्डर है, वेटलैंड है, फ्लड प्लेन्स है, रेनी सीजन में समर्ज हो जाता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, और पेंटानल कम फ्रॉम पेंटानो वेटलैंड बॉग। पेंटानल इज बाउंडेड बाई चिकितानो ड्राई फॉरेस्ट टू द वेस्ट, एरिड चाको ड्राई फॉरेस्ट टू साउथ वेस्ट, होमिड चाको टू द साउथ, सराडे सवाना, सराडो सवाना, सराडो ग्रासलैंड है, सराडो सराडो सवाना रीजन है ब्राजील का, पेंटानल वेटलैंड है, पेंटानल वेटलैंड है, सिराडो ग्रासलैंड है, पेंटानल वेटलैंड है, सिराडो ग्रासलैंड है। पेंटानल के बारे में और कुछ, तापिर मिलते हैं यहाँ पे, तापिर तापिर ये तो बायोजियोग्राफी में आना ही चाहिए। तापिर ऑफ पेंटानल ब्राजील अजील में यहाँ पे मिलते हैं तापिर। और क्या है, हायसिंथ एंटीटर, एंटीटर देखे भाई क्या है, अरे ये क्या है, पहली बार देखा। जगुआर कैपिब्राज मार्जियर, ये क्या यकारे काइमन, अरे ये तो इनका घड़ियाल है, हम लोगों का घड़ियाल है।
ब्लैक हॉलर मंकी, टमंडुआ, टमंडुआ से अजीब अजीब चीज है, टमंडुआ, कैरा कैरा, वल्चर, एक तमंडुआ खतरनाक सा मिला कुछ, और एक तापिर, बाकी मैकाउस, एंड ईटर भी सिराडो के हैं, सिराडो सवाना रीजन है ब्राजील का, सिराडो मैप, सवाना का मतलब ग्रासलैंड, अफ्रीकन सवाना, इक्वेटोरियल के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सिराडो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अमेजन रेन फॉरेस्ट के पास, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। ये साउथ अमेरिका की, ब्राजील एक बहुत बड़ा जो है सिस्टम है वहाँ का। सेराडो, आई डोंट नो, मैंने सेराडो के बारे में पहले कभी कुछ लिखा था कि नहीं, देखता हूँ, लिख लेता हूँ पहले। सेराडो और पेंटानल के बारे में पता चला मुझे, सेराडो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स लाइक सवाना, सवाना बोलते ही अफ्रीका दिमाग में घूमने लगता है, और पेंटानल वेटलैंड है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने कहीं सिराडो लिखा है? नहीं लिखा है, यानी कि मैंने सिराडो नहीं प्रिपेयर किया था पहले। चलो और कुछ सिराडो के बारे में पता है। ब्राजील्स फॉर्म बेल्ट, प्रीवियसली डीम्ड अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, सिराडो सवाना हैज बिकम ब्राजील्स एग्रीकल्चर रीजन, राइवल द आउटपुट ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स। भाई बहुत इम्पोर्टेंस आ गई है इसकी, सिराडो की। अच्छा, दिक्कत ये है कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर करी जाती है, और लैंड जब क्लियर की जाती है तो वहाँ का जो भी सिस्टम होगा, इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब तो हो ही गया होगा। अच्छा, सिराडो, सिराडो सवाना, और कुछ है सिराडो के बारे में जानने लायक? अमेजन रेन फॉरेस्ट के नीचे है ब्राजील में, इधर अमेजन है, इधर सिराडो, इधर पेंटनल है, इधर पंपाज है। ये अच्छी चीज मुझे मिली, ये बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हो गए ब्राजील के। ब्राजील में ऊपर अमेजन है, कातिंगा पता नहीं क्या है, सिराडो है, पेंटानल है, पंपास अर्जेंटीना चला जाएगा, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पेंटानल, मातोग्रासो प्लेटू, पंपास, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, ब्राजीलियन हाइडलैंड्स, कटिंगा, सिराडो। ये ऑलमोस्ट ब्राजील की पूरी बायोजियोग्राफी समझाने के लिए सफिशेंट है। थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, ले आओ 15 पे, थोड़ा सा बड़ा कर लो देखने लायक। ये हो गया ब्राजील, पंपास, कतिंगा, सेराडो, पेंटानल, मातोग्रासो प्लेटू, इनफ। तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड तो हो गया था, हम लोग ग्रासलैंड्स में चले गए थे और दुनिया भर की ग्रासलैंड्स कवर कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, चैना, फैंग, फजेंदा, मिल्पा। चैना मुझे याद आ रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, और ये श्रीलंका का है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही है जहाँ पे शिफ्ट होते रहते हैं, कि ये कल्टीवेट किया, छोड़ दिया, जब वो उसकी फर्टिलिटी चली गई तो उसको आपने डिजर्ट कर दिया, अबांडन कर दिया, और फिर आप नए जगह पे चले गए कल्टीवेट करने के लिए। तो चाइना तो है श्रीलंका का, फजेंडा, ये तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कि फजेंडा, फजेंडा
जहाँ पे हम बड़े लेवल पे कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं उन सारे जगहों को क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक ही टाइप की क्रॉप लगा देते हैं और कॉमर्शियल लेवल पे फार्मिंग करते हैं। अभी तो किया था एक क्वेश्चन कॉमर्शियल लेवल की फार्मिंग वाला, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आई थिंक फजेंडा तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, फैंग और मिल्पा ये पता करना पड़ेगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मैप मुझे निकालना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैप, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैप। इंडिया में भी है, नाम नहीं है क्या? यानोमारो बुरुम हनुनु, क्या क्या नाम है? ये तो नहीं होंगे, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट वाले कुत्ता भी खाते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके फॉरेस्ट भी खराब कर रहे हैं। क्या करें इनका, पैसा भी चाहिए उनको, रिजर्वेशन भी चाहिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बनाना एंड सुगर बेल्ट, कोको एंड कॉफी बेल्ट, टी गार्डन्स बेल्ट, रबर बेल्ट, कोकोनट बेल्ट। चलो भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कुछ बनाते हैं जून। ये सबसे पहले खोलते हैं जिग्राफी, जिग्राफी सीट्स, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर वर्ल्ड, वर्ल्ड में एग्रीकल्चर में मैंने कहीं विटलेसी लिखे तो हैं, एग्रीकल्चर लिखे नहीं, 13 लिखे हैं, कई लोग बोलते हैं 11 होते हैं। यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के पैटर्न। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पैटर्न, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पैटर्न तो और भी बहुत जगह जाना चाहिए, ये जाना चाहिए साउथ अमेरिका, ये जाना चाहिए आसियान, आसियान तो जाना ही चाहिए, कि अभी भी वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पैटर्न है। एग्रीकल्चर जियोग्राफी खुले तो हमें जियोग्राफी जगह बनानी पड़ेगी। मैंने बनाई जगह स्टोर और ये लिया मैंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पैटर्न और ये मैंने मारा आसियान में और इसको किया छोटा। एक बार और रिवाइज करूंगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पैटर्न, बनाना और सुगर है कैरिबियंस में, कोको और कॉफी है अफ्रीका में, टी गार्डन्स है इंडिया में, कोकोनट और रबर है आसियान में, रबर मलेशिया इंडोनेशिया में है, कोकोनट थोड़ा सा ऊपर है और शायद फिलीपींस, फिलीपींस है, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। और देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम अभी भी नहीं मिले मुझे, ये कुछ नाम है क्या? अभी भी नाम नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम नहीं मिल रहा है।
चलो फिर मैं एक काम करता हूँ क्या, फिर से क्वेश्चंस के चेना मिल्पा फेंग इनका देखता हूँ। चेना मिल्पा फेंग ये मिला मुझे कुछ, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका का लग रहा है, चेना श्रीलंका का है, टैवी अफ्रीका का लग रहा है, लेडिंग ये देखना पड़ेगा यार, जो मिल्पा देखते हैं सबसे पहले मिल्पा। मिल्पा ओरिजिनेटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका मेजफील्ड। मिल्पा इज ए क्रॉप ग्रोइंग सिस्टम थ्रू आउट मिजो अमेरिका। मिल्पा एक मिजो अमेरिका का सिस्टम है, कल्टीवेटेड लैंड मेज बीन स्क्वेस। मिल्पा साइकिल कॉल्स फॉर 2 ईयर ऑफ कल्टीवेशन एंड 8 ईयर्स ऑफ लेटिंग द एरिया लाई फैलो। तो मिल्पा तो पक्की बात है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो ये तो मुझे नॉर्थ अमेरिका अमेरिकानाज में स्टोर करना पड़ेगा, ऑनलाइन सेंट्रल मैंने छोड़ना दिया हूँ अमेरिका ना, अमेरिका नाज में गया मैं, इकोनॉमिक जियोग्राफी मिल्पा मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिल्पा का शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिल्पा। मैं ऐसा कोई मैप नहीं है अवेलेबल है, वही एक पुराना मैप दिख रहा है ये वाला, इसी को स्टोर कर लेता हूँ। मिल्पा टैवी चेना लेडिंग, चेना छोड़ दिया सब देख लूंगा मैं, क्योंकि चेना श्रीलंका का मुझे पता है, टैनी है कि टैवी, टैवी और एक क्या लेडिंग, एक है लेडिंग और इसमें फैंग भी पता होना चाहिए, फैंग लेडिंग लेडिंग एग्रीकल्चर, लेडिंग एग्रीकल्चर लिस्ट ऑफ लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा काफी नाम है, फैंग तेवी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन मेडागास्कर, तेवी मेडागास्कर का है, मेलागासी टर्म है। अभी मैं देखता हूँ जो मैंने अभी मैप डाला था नॉर्थ अमेरिका में, तेवी मेडागास्कर ये तो कहीं और दिखा दिया इन्होंने, मेडागास्कर तो यहाँ है, मेलागासी टर्म है। रे वियतनाम, तेवी मेडागास्कर, फैंग इक्वेटोरियल अफ्रीकन, यानी कि ये मैप फिगर का वर्ड है, ये फिगर लास्ट वाला का वर्ड है अभी जो मैंने अमेरिका में डाला था। तेवी तेवी एक तो गबड़ बना हुआ है क्योंकि तेवी मेडागास्कर का है, फिर उसके बाद फैंग इक्वेटोरियल अफ्रीका का है, मिल्पा युकातन गाटेमाला का है, चेना श्रीलंका का है, लेडांग जावा इंडोनेशिया का है, लाडिंग लिखा हुआ जो भी है वो लेडांग, इंडिया में झूम है, वेवर और दहियार बुंदेलखंड का है, दीपा है बस्तर डिस्ट्रिक्ट का, जारा है निरका है सदर्न स्टेट में, बत्रा है राजस्थान में, पोड़ू है आंध्र प्रदेश में,
कुमारी है केरला में, कमन है उड़ीसा में। वाह वाह रे, इतना सब जो है। ये स्टोर करना पड़ेगा भाई, ये जाना चाहिए अमेरिकाज में, नहीं एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। साउथ अमेरिका में भी नहीं, एनवायरनमेंट में भी नहीं, ये जाना चाहिए एग्रीकल्चर एंड फूड जियोग्राफी। तो लिस्ट ऑफ लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अराउंड द वर्ल्ड। सबका एक एक करके मैप तो देख पाना मुश्किल होगा, लेकिन तब भी एग्रीकल्चर के नाम्स, तावी मेडागास्कर, फैंग अफ्रीका, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, मिलिया सेंट्रल अमेरिका, रोका ब्राजील, और देखता हूँ कैंगिन तक हो गया था, कैंगिन फिलीपींस, चेना श्रीलंका, लदांग जावा इंडोनेशिया, कुछ इंडिया के भी आ गए इसमें। इंडिया के कौन कौन से, झूम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। अच्छा झूम अगर आएगा तो आपको ये थोड़ी ना लिखना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, सिर्फ इतना लिखने से आपको एक नंबर का में आधा नंबर मिलेगा। झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, दहिया बुंदेलखंड का है, दीपा बिस्तर का है। अरे अच्छे से लाना चाहिए मुझे इंडिया की शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पूरा बड़ा सा जी बना। तब जाके मेरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा, झूम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, वेवर बुंदेलखंड का है, दीपा बस्तर का है, जारा इरका सदर स्टेट के हैं, बत्रा राजस्थान का है, पुडु आंध्र प्रदेश का है, कुमारी केरला का है, कामन विंगा धामी उड़ीसा के हैं। अब जो है मैं इसको समझ पाया हूँ शिफ्टिंग का। चलो और आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ क्लियर हुआ। चेमन अब मुझसे पूछो, चेना श्रीलंका फजेंडा नहीं है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फजेंडा तो ब्राजील का, अरे यार फिर भूल जाता हूँ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, फार्म हाउस वाला। फैंग नाम से चाइनीज लग रहा है, फैंग एंग फैंग, लेकिन फैंग अफ्रीका का है, फैंग पक्की बात अफ्रीका का है, वो भी इक्वेटोरियल अफ्रीका का है। मिल्पा सेंट्रल अमेरिका का है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इज फाउंड इन कजाकिस्तान, कल ही किया था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, सिल्वर प्रोडक्शन बाय कंट्रीज, सिल्वर प्रोडक्शन बाय कंट्रीज, मैक्सिको। मैक्सिको मैक्सिको 2015 में था, 2020 में क्या हालत है। सबसे ज्यादा तो मैक्सिको का ही है, ये तो जाएगा अमेरिका में। गोल्ड में तो
ऑस्ट्रेलिया यूएसए है, गोल्ड में चाइना भी अच्छा हो गया, सिल्वर प्रोड्यूसिंग नेशंस मेक्सिको, पेरू मतलब लैटिन अमेरिका का अच्छा खासा, अभी इधर पेरू लिखा हुआ है। क्या मेक्सिको को आगे रखें, पेरू को आगे रखें, किसको रखें? सिल्वर प्रोडक्शन, मेक्सिको और पेरू। मेक्सिको वाला नंबर वन वाला जो है वो सही होगा, कुछ में पेरू को नंबर वन रखा हुआ है, ये सही है मेक्सिको पेरू। इसको मैं कर लेता हूँ सिल्वर। सिल्वर की जो माइनिंग है वो साउथ अमेरिका की है, पूरी अच्छी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका की इकोनॉमिक जियोग्राफी, गैलापागोस, चिली, इक्वेटोरियल कॉफी, फजेंडा कॉफी प्लांटेशन। अच्छा प्लांटेशन भी है तो किसका, कॉफी का। चिली में माइनिंग, अटाकामा में, चिली सॉल्ट पीटर की, और ये रहे सिल्वर में, पेरू और मैक्सिको हैं सबसे ऊपर। मैक्सिको सबसे ज्यादा करता है, तो मैक्सिको तो लेकिन नॉर्थ अमेरिका में आएगा ना, तुम तो डाल दिए हो पेरू के साथ उसको, यहाँ डालो उसको नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको अमेरिका के नीचे, मैक्सिको। अमेरिका मैक्सिको से बड़ा नफरत करता है, वहां पे सिल्वर खूब पैदा होता है जबकि। चलो याद रखेंगे। ब्रोकन हिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ जिंक, लेड एंड सिल्वर। ब्रोकन हिल इज आइसोलेटेड माइनिंग सिटी इन सो फार वेस्ट ऑफ आउटबैक न्यू साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी बीएचपी हिल्टन हैज रूट्स इन द टाउन। अच्छा नाम तो सुना सुना लग रहा है, बीएचपी हिल्टन ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और ब्रोकन हिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या क्या पता करूं। ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया, और एक चीज पता की जाए, बीएचपी हिल्टन, हिल्टन की बिल्टन, बिल्टन बीएचपी बिल्टन, ये कहाँ की है? बीएचपी बिल्टन इज ऑफ एंग्लो ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल माइनिंग, मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग के लिए है भी बहुत कुछ। बीएचपी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है, ये भाई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी में आना चाहिए। सीनिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ग्लोबल बॉक्साइट प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है, वूल प्रोडक्शन में नंबर वन है, वाइल्ड फायर्स बहुत आ रहे हैं अभी, गोल्ड वूल का पता नहीं तुमने कहाँ लिखा है, यूरेनियम में भी अच्छा खासा है। ऑस्ट्रेलिया के पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आई डोंट नो, मैं उनको फोकस अभी तक क्यों नहीं किया था। बीएचपी सबसे ज्यादा बड़ी माइनिंग कंपनी उन्हीं की है, बीएचपी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी। बीएचपी बिल्टन ऑस्ट्रेलिया, और इसके रूट्स देखते हैं।
ब्रिटेन वॉज फाउंडेड इन 1860 हेग नीदरलैंड्स, जब इनको माइनिंग के राइट्स मिल गए थे सुमात्रा में। बॉक्साइट माइनिंग स्टार्ट की इन्होंने इंडोनेशिया और सूरीनाम में, सेल ने इसको एक्वायर कर लिया था। फिर गोल्ड फील्ड्स मिल गए इनको। पेट्रोलियम ढूंढने लगे और नेचुरल गैस मिल गई इनको बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया। फिर डायमंड की कंपनी डाल दी, निकिल निकिल कोबाल्ट के प्रोजेक्ट मिल गए, पाथाभास का से पोटास निकालने लगे। कोल, कॉपर, आयरन और पेट्रोलियम सब कुछ निकालते हैं। ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया, सच में ब्रोकन हिल है। नेशनल हेरिटेज लिस्ट, सब सॉफ्टवेयर डाला माइनिंग कर करके। चलो, विच वन ब्रोकन हिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर जिंक, लेड एंड सिल्वर। सिल्वर सबसे ज्यादा मैक्सिको। विच वन इज द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियो थर्मल एनर्जी? जियो थर्मल एनर्जी के लिए आपको पास जियो थर्मल हॉटस्पॉट होने चाहिए, जियो थर्मल वेंट्स होने चाहिए, और जियो थर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए, और उसके बाद आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन तब भी देखते हैं, जियो थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन बाय कंट्री लिखा है यूएसए, तो फिर सही होगा। टॉप 10 जियो थर्मल कंट्रीज ऑफ 2019। यूएस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, टर्की, मेक्सिको, इटली, केन्या। यूएस नंबर वन है, यूएसए इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियो थर्मल एनर्जी, ये अमेरिकाना में आना चाहिए। यूएसए इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियो थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गैस रिजर्व। नेचुरल गैस रिजर्व की बात करो यार, नेचुरल गैस रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व्स बाय कंट्री। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को। नेचुरल गैस बोलते हैं किसको? पहले ये बता क्या रहे हैं। नेचुरल गैस इज हाइड्रोकार्बन गैस कंसिस्ट मोनली ऑफ मीथेन एंड अदर एल्केन। नेचुरल गैस का सबसे बड़ा जो रिजर्व है, रैंक वन रसिया, ईरान, कतर, यूएस। इंडिया तो दूर दूर तक है नहीं। रसिया, ईरान, कतर, यूएस, सऊदी अरेबिया, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, वेनेजुएला, नाइजीरिया, चाइना। इसमें इमेज देखते हैं, नेचुरल गैस रिजर्व्स। रशिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी में आना चाहिए। रशिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी में मैंने गुआम, गुआम क्यों डाल रखा है?
जॉर्जिया, यूक्रेन, जरा मकान, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, निकल डिपॉजिट्स, ट्रेड रूट्स, ट्रांस साइबेरियन पोर्ट्स, कोल डिपॉजिट, जो सबसे मेन चीज है इनका वो नहीं डाल रखा है गैस, रसिया गैस में नंबर वन है, नेचुरल गैस में। चलो, रसिया फॉलोड बाय ईरान, कतर। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड इन फाउंडिंग, इनके हिसाब से यूएसए है, मुझे तो पता नहीं। कोल रिजर्व्स, कोल रिजर्व्स बाय कंट्री, सही में भाई यूएसए, रिकवरेबल कोल ऑफ यूएसए। रशिया, चाइना, इंडिया तो सिर्फ 7% है, अमेरिका में कोल की कोई कमी नहीं है। यूएस के पास एनर्जी रिसोर्सेस को जियो थर्मल भी है, कोल भी है, गोल्ड सिल्वर भी है, एग्रीकल्चर भी है, क्या नहीं है यूएसए के पास? यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा कोल है। किसी में ऑस्ट्रेलिया को ऊपर देखा है, किसी में इंडिया को ऊपर देखा है। यूएस, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। कोल काफी हद तक इकोनॉमी डिसाइड कर देता है। इंडिया की जो रैंक बनी हो क्या बनी, अभी देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, इंडिया के पास फिफ्थ है कोल रिजर्व। यूएसए सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, कोल रिजर्व्स पे कंट्री। कोल रिजर्व्स का मैप देखते हैं, ग्लोबल कोल डिपॉजिट्स। यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, इंडिया में सब कुछ है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अगर चाइना इंडिया को जोड़ दें तो फिर काफी ज्यादा हो जाएगा। कोल जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, सदर्न में कम है। कोल की कुछ फेमस माइंस हैं, पिट्सबर्ग कोल सीन, अपलासिया निजन, हाई क्वालिटी कार्बोनिफरस कोल, ग्रेट लेक्स रीजन इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड ड्यू टू रिच कोल एंड आयरन रिजर्व्स। साउथ अमेरिका में भी कुछ है, सेंटा कैटरीना, नाटाल में भी है। ऑस्ट्रेलिया में भी है। चाइना का कोल पुअर क्वालिटी का है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। ये तो कहीं अमेरिका के इकोनॉमिक जियोग्राफी में आना चाहिए। रशिया में कुजनेट्स बेसिन, मास्को बेसिन, लीना बेसिन,
सबसे ज्यादा झारखंड है 27% इंडिया में, फिर है उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना। महाराष्ट्र से ज्यादा है, मध्य प्रदेश से कम है। नॉर्थ ईस्ट बहुत कम है यार, 0.5% है। ये मेरे हिसाब से इंडिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी में जाना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी में कोल में, इंडिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी इंडिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी हाँ गई। अच्छा ये रही इंडिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी और रैंकिंग, ये हुई अमेरिका की। अमेरिका अमेरिका तो कोल रिजर्व्स तो क्लियर हो गए।